हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी में पाठ 14। हमने पढ़ा था कल 13 चैप्टर का ग्राम श्री में, ठीक है ना। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम प्रेरक प्रसंग, ठीक है ना। तो जो दो चैप्टर है वो डिडक्ट किए गए हैं, उसको ध्यान से रखिएगा, देखिएगा आप, ठीक है ना। आज ये नोटिस जो है आपके पास पहुँच गए होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेरक प्रसंग, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम भी जीवन में कुछ ऐसा करें। तो संकलित है, ये इकट्ठा किया गया है। इसमें हम सीखेंगे समय का महत्व, त्याग, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करना, योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेरक प्रसंग का पहला पैराग्राफ। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं, उनके आचरण और क्रियाशील ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उनके जीवन के संघर्ष और अभावों में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठकर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुँचे हैं और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, विश्व के जो अनेक महापुरुष हैं उनके आचरण और उनकी क्रियाशीलता विश्व में है जो समूचे मार्गदर्शन के रूप में हमें मिले हैं। उन्हीं के जीवन के कुछ ऐसे काल हैं, कुछ समय हैं, उन्होंने क्या किया है, वह प्रेरक के रूप में, आइडल के रूप में, आदर्श के रूप में इस पाठ में संकलित किए गए हैं। तो उसे आज हम पढ़ेंगे कि हम भी जीवन में किस प्रकार से इन आदर्शों को, इन प्रेरक रूपों को देखकर अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव के तारा बन गए हैं। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभावों की कुटिया में, है ना। यानी जन्म तो गरीब परिवार में हुआ और वहाँ पे आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसे अभाव कहा जाएगा कि अभावों की कुटिया में शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा है। वे केवल 13 वर्ष की अल्पायु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इतनी कम आयु में उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 13 वर्ष की उम्र में इतने इंटरेस्टेड थे अपने पढ़ाई को लेकर, इतने संलग्न थे कि उन्होंने क्या किया, 26 मील दूर रायबरेली के ज़िले में स्कूल में ये जाते थे पढ़ने के लिए, और अपनी आवश्यकता का सामान भी पीठ पर रोल ला ले जाते थे। तो अंग्रेजी ही नहीं, इन्होंने संस्कृत, उर्दू और भी चीज़ें कई इन्होंने सीखी। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई, ठीक है। स्कूली शिक्षा के बाद वे GRP रेलवे के तार बाबू बने और ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई, ठीक है ना। इनकी जो जानने की और ज्ञान लिप्सा थी, नहीं कुछ करने की इसमें चाह गुजर तो शुरू से ही थी, इसके वजह उन्होंने की कई पदोन्नतियाँ की, ठीक है। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी था। मैंने इनकी जीवनी पढ़ी है किसी में, बहुत अच्छे से पढ़ी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो जब वो रेलवे में सर्विस करते थे तो उन्हें उनका काम बहुत अच्छा था, बड़ी ईमानदारी से कार्य करते थे। तो इनकी पदोन्नति जो होती, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन हो गया, ठीक है। प्रमोशन के चलते इन्होंने कार्य भी अपना टाइम से ही करते थे। तो कई अपवाद होते हैं जब हम किसी सर्विस में होते हैं, सर्विसेस में, तो उन्होंने घूस देने की और गलत काम करने की इनसे इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने क्या क्या इस्तीफा ही दे दिया था, शायद ऐसा किया था। फिर उसके बाद ही इन्होंने सरस्वती पत्रिका में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। फिर कई अनुरोध किए गए कि उनको वापस बुलाया जाए,
तो फिर इन्होंने वापस नहीं गए, क्योंकि इनके आत्मसम्मान की बात थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं चला जाऊँगा तो फिर वो व्यक्ति नहीं अगला व्यक्ति भी उनसे इसी तरह का अपेक्षा करेगा। इन्होंने फिर उसके बाद सरस्वती पत्रिका ज्वाइन की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्कूली शिक्षा के बाद, ये हम पढ़ चुके हैं, सेवा भी करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ संत स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार सिर्फ मन के तरंगे भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन ही उनके भावों से ओतप्रोत था। इन्हें वो सिर्फ मन में कल्पना नहीं, उसे अमूर्त रूप भी प्रदान करते थे, मूर्त रूप भी प्रदान करते थे, ऐसा कहने का मतलब है। एक बार पुरुलिया कुछ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादक को लिख भेजा। भाई तुम्हारा लेख पढ़कर रो पड़ा, मैं बड़ी देर तक विह्वल रहा, मेरे हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपये में 5 भेज दिए हैं, अब मैंने बेचैन है, मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे, और अब मैं चैन मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। 5 रुपये मैंने तुम्हारी इस प्रथा को सुन के दे दिया, पर अब मुझे लग रहा कि मैंने कम ही भेजा है और क्यों नहीं भेजा, ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिख कर दिया। ठीक है ना, एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान नया अन्न खा कर बीमार पड़ गया, और बस लौट चले घर की ओर, घर का दरवाज़ा दवा लेकर ही लौटा। ठीक है ना, लौटा और बना और उस जब वो हो गया तो क्या किए उनको, उसके लिए उन्होंने दवाई लेके दी, ऐसा मतलब था। बनारसी जी दास जी ने पूछने पर उन्होंने कहा कि सेवा और साहित्य रचना जीवन से अलग अलग दो पहलू मात्र नहीं हैं, वरन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बनारसी जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि सेवा और साहित्य जीवन में, उन्होंने बनारसी जी के पूछने पर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो उन्होंने कहा था कि सेवा और साहित्य, मैं साहित्य की रचना तो करता हूँ लेकिन सेवा भी इसके साथ इसलिए करता हूँ क्योंकि साहित्य सेवा एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ऐसा समय साधना, जीवन में समय का बड़ा महत्व है, समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त, देखिए मैथिली शरण को राष्ट्रकवि कहा भी कहा गया है, ठीक है ना, वो राष्ट्रीय कवि हैं, तो ये अंडरलाइन करिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए, अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया जिस पर लिखा था प्रातःकाल भेंट ना हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुराए और उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः मैं सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ, पत्रिका के स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यानी पत्रिका का जो स्तर था थोड़ी निम्न था तो उसमें श्रम भी करना पड़ता है, यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातःकाल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी रहता है, ऐसा उन्होंने द्विवेदी जी ने कहा। एक बार साहित्य कार्य की सदगुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने आए। एक बार क्या हुआ कि साहित्यकार श्री सदगुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने आए। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे तुले शब्द से बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो मैंने आशा ही नहीं की थी। द्विवेदी जी ने आगे पूछा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने के एक कार्य दूसरे की सीमा का आकरण घुस जाता है, अकारण ही घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों को निखार लाता है। यानी कि अगर आपका समय निश्चित है तो उसमें आप निखर जाएंगे, यानी कि निश्चित इतने समय में काम करना है तो करना है, इतने समय के पाबंद थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का नाम एक गरीब लड़का था। लिंकन एक गरीब लड़का था
वह लट्ठों से छाए हुए घर पर रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों के साथ पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता तो सोचता ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उनसे निर्णय किया कि क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्वयं कमाऊँगा और पढ़ूँगा भी, ऐसा अब्राहम लिंकन ने सोचा। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता, दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा, पढ़ने की लगन थी, अभी रात तक वह पढ़ता रहता और उसे थकान न लगती। किताबें उसके पास न थी, पढ़ने लिखने के लिए वह मांग कर अपना काम चला लेता था। एक बार उसने किसी से किताब मांगी, काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा और किताब खुली पड़ी रही। मुंह अंधेरे पर वह जागा तो सर्दी पड़े होने से उसकी देह ऐंठ गई, कोहरे से किताब भींग गई। जिन दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी, वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस में भींगी किताब को लेना स्वीकार ना किया। उसने कड़कड़ाती हुई आवाज़ में कहा मुझे या तो नई किताब ला कर दो या पूरे पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा, खाना मिलेगा तनख्वाह नहीं, इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। ऐसा जिससे किताब लेके आया था उसने ऐसा कहा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी कि अब किताब उसकी हो गई थी, वह जब चाहे तब पढ़ सकता था। ठीक है ना, उन्होंने मेहनत की और किताब उनकी हो गई, भले ही ओस में गीली हो गई थी लेकिन किताब सही थी, अक्षर समझ में आ रहे थे। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों का हल किया करता था, यानी गणित के सवालों को लट्ठों से ही हल किया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी और लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना दिया था। जिस गरीबी ने उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसी से उसे प्यार हो गया। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया, यानी कि अपनी विद्या का खर्चा चलाने के लिए ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया और यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी और परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, यानी कि हम अगर इतिहास उठाएं तो ऐसे प्रेरक लोग बहुत सारे हैं जिनसे हमें कुछ जीवन में सीखने थे। अब्राहम लिंकन की देखिए कहानी सुनिए कि बहुत गरीब थे, उनका घर किस तरह का था, उनके पास किताबें नहीं थीं, इन्होंने किस तरह से अथक प्रयास किया। तो बिना प्रयास के, बिना गिरे और बिना मुसीबतों के हमें कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये अब्राहम लिंकन के जीवन से आप सीखिए। और फिर देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, नए शब्द हैं। कुछ शीर्ष मिस चोटी या शिखर होता है, प्रतिकूल मिस विपरीत या जो अनुकूल ना हो, ध्रुव का तारा यानी जो वह लिखा गया हो। ठीक है, इस तरह से शब्दार्थ इसके आप देख डालिए एक तरह से। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसकी जोड़ियाँ बनानी हैं। तो देखिए, अथक का होता है अथक परिश्रम करना, कड़कड़ाती तो आवाज़ होगी, 4 दिन और गरीब लड़का था। ठीक है ना, तो ये अब्राहम लिंकन के ऊपर ये जोड़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है ना, तो जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें शब्द होते हैं तो उसमें जो सही शब्द है उसका मिलान किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सही गले वो खाली स्थान है, फिलिंदा ब्लैंक्स इसे बोलते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम एक कैसा था, गरीब लड़का था। आधी रात तक लिंकन पढ़ता था। द्विवेदी जी ने क्या किया था, रेलवे में नौकरी की और तार बाबू बन गए। द्विवेदी जी ने नौकरी छोड़ दी और वे क्या कर दे, सरस्वती के संपादक बन गए। ठीक है ना, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप भी अब्राहम लिंकन
और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन से कुछ सीखिए और जीवन में कुछ बनिए, ठीक है ना, और आप भी किसी के लिए एक प्रेरणा का कारण बने। धन्यवाद स्टूडेंट्स।